सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, सीना ठोक रहे हैं, इतने बम इतने रॉकेट डलाए जा रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चला दिया और उस गोली में प्रधानमंत्री जाके बच गए ट्वीट कर। इजराइल में मणिपुर चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री वहां गीदड़ भक्ति नहीं दिखाते हैं, हिंदू मुस्लिम करना इनकी फितरत। कन्हैया का गला काटा गया राजस्थान में, कौन था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। संसद के अंदर रमेश भदौरिया दानिश अली को आतंकवादी बोलता है, कटमुल्ला बोलता है, ये आपको समझ में नहीं आता? तो हमारे देश की जमीन को छुड़ाए ना जो चाइना कब्जा कर रहा है, वहां पे तो मोदी की मौनता हो जाती है, वहां पे धृतराष्ट्र पत्रकार इजराइल पहुंच गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पत्रकार कहाँ चले गए थे? मणिपुर पे क्यों नहीं दिखाया? वो पत्रकार हरियाणा में नहीं दिखाए? वो पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं दिखे? वो पत्रकार जब खालिस्तानियों का बोलबाला था वहां पे नहीं दिखे? देश में कुछ नया होगा। और आज इजराइल और फिलिस्तीन की ये रणनीति आज देखने को मिल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मोदी के कंधे पे बंदूक रखकर गोली चला दिया और उस गोली में प्रधानमंत्री जाके बच गए ट्वीट कर। इजराइल का आप समर्थन क्यों कर रहे हैं? आप किसी के जमीन पर, अरे एशिया का तीसरा सबसे बड़ा भागीदार है, व्यावसायिक भागीदार, आप कह रहे हैं समर्थन? अमेरिका का शरारती है ये आप नहीं जानते हैं? ये देश की जनता को बताओ, ये सच्चाई है। आप किसका कर रही है बताइए? चाइना रोज एक कदम भारत में बढ़ रहा है। ले लद्दाख में माननीय राहुल गांधी जी जाते हैं, वहाँ के लोगों से पूछते हैं, वहाँ के लोग बताते हैं, तब तो प्रधानमंत्री मोदी जी का और हमारे देश के प्रधान सेवक का ट्यूट नहीं जाता है। 6 महीना आज के दिन भी मणिपुर जल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री वहां गीदड़ भक्ति नहीं दिखाते हैं। हिंदू मुस्लिम करना इनकी फितरत है, इनको कुलदीप जी ये बताइए, आप फिलिस्तीन के साथ हैं, इजराइल के साथ हैं? हम मानवता के साथ हैं, हम मोहब्बत के साथ हैं, हमने कभी नफरत नहीं किया, ना हमारे महात्मा गांधी ने सिखाया, ना इंदिरा गांधी जी ने सिखाया, ना तो राजीव गांधी ने और ना तो इंडिया अलायंस के किसी नेता ने ये ऐसे नफरत करने। तो क्या मोदी जी ने मोदी जी नफरत कर रहे हैं? कन्हैया का गला काटा गया राजस्थान में, कौन था? बीजेपी का कार्यकर्ता था। संसद के अंदर रमेश भदौरिया दानिश अली को आतंकवादी बोलता है, कटमुल्ला बोलता है, ये आपको समझ में नहीं आता है? देश को किस, हमारे देश को किस दिशा पे ले जाया जा रहा है? हम आप कल जाके अमेरिका का शरणार्थी बनेंगे? जिन अंग्रेजों को हमने 200 साल राज किए उनको दौड़ाकर भारत से दम लिए, आज हमसे पूछा जा रहा है कि हम समर्थन किसका करेंगे? आज प्रकृति को सबसे ज्यादा क्षति पहुंचाया जा रहा है और प्रधानमंत्री इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, सीना ठोक रहे हैं, इतने बम इतने रॉकेट डलाए जा रहे हैं मानवता के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने की सबको शहादत शिक्षा देते हैं, तो विश्व गुरु का परिणाम क्या होता है ये समझना पड़ेगा। आपके ऊपर हमला करेगा? आप नहीं हमला करेंगे, आप छोड़ देंगे? तो मुजफ्फरनगर की बातें क्यों नहीं समझ में आती है? क्यों नहीं समझ में आती है? जब यादव समुदाय जाता है मिश्रा के घर पे उनकी मदद करने के लिए, वहां सर फोड़ दिया जाता है। ये आरएसएस के विचारधारा वाले लोग हैं, ये बीजेपी के लोग आज राष्ट्रीय अपने आप को राष्ट्र प्रेमी बताते हैं, कभी राष्ट्र तिरंगा का। अरे सर, मोदी जी ने इसलिए समर्थन किया है, उसके लिए जिगरा चाहिए, 56 इंच का उनका सीना है। अभी तक किसी की हिम्मत नहीं होती थी इसराइल का समर्थन करने की और अरबों से हट के बात करने की, गल्फ कंट्रियों से हटके। जी इजराइल जो है, आपको पता होना चाहिए, मैंने पहले स्पष्ट किया कि अमेरिका का शरणार्थी है और पूरे विश्व का प्रधान देश है अमेरिका, और मोदी की सपोर्ट की क्या आवश्यकता है? मोदी तो हमारे देश की जमीन को छुड़ाए ना जो चाइना कब्जा कर रहा है, वहां पे तो मोदी की मौनता हो जाती है, वहां पे धृतराष्ट्र बन जाते हैं। कहां जमीन है? मीडिया तो नहीं दिखा रहा है? उस समय धृतराष्ट्र के पास संजय जी थे जो हर खबर देते थे, लेकिन आज का कोई खबर देने वाला मोदी जी के पास है
आज मीडिया को डरा के रखा। तमाम देशभक्त पत्रकार है इजराइल पहुंच चुके हैं, आप यहाँ झुंझुना मत बचाइए कांग्रेस कार्यालय में। बहुत बढ़िया आपने कहा कि तमाम पत्रकार इजराइल पहुंच गए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, वो पत्रकार कहाँ चले गए थे? मणिपुर पे क्यों नहीं दिखाया? वो पत्रकार हरियाणा में नहीं दिखाए? वो पत्रकार उत्तर प्रदेश में नहीं दिखे? वो पत्रकार जब खालिस्तानियों का बोलबाला था वहां पे नहीं दिखे? आज इन पत्रकारों की बड़ी चिंता हो रही है, जो गोदी मीडिया है नफरत फैलाते हैं, 5 बजे से एजेंडा हो जाता है। अरे सर, वो राष्ट्रवादी पत्रकार है, खाते में आपको मिर्ची लग जाती है, आपके प्रवक्ता को मिर्ची लगता है, इसलिए आप गोदी मीडिया कहते हैं। क्या सब दिखाया? देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां 38 दिन बैठी रही, क्या दिखाया? मणिपुर में एन बीरेन सिंह मुख्यमंत्री क्या बोल रहे थे, कैसी हजारों घटनाएं होती हैं। तब नेशनल मीडिया कहाँ गई थी? उनको इजराइल से बड़ा प्रेम हो गया है, मोदी जी कहीं जा रहे हैं तो बड़ा प्रेम हो गया। कैसे मोदी जी हाथ मिलाते हैं, कैसे गले लगते हैं, ये तो ये गोदी मीडिया के माध्यम से मोदी स्पॉट हो चुके हैं। कवर करेगा वो, देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्हीं को कवर किया जाएगा ना कि आपको कवर करेगा मीडिया? अरे मैं तो कहता हूँ कवर करे, लेकिन G20 के दिन जब बैठक हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी इस नेशनल मीडिया को क्यों बाहर जाने के लिए बोला, इसका जवाब कौन देगा? ये कि वो कितना सुरक्षित है ये देश के किसान जान रहे है, को कितने सुरक्षित है ये देश की महिला जान रही है, को कितनी सुरक्षित बताइए। 12 साल की बच्ची मध्य प्रदेश में, जहां शिवराज सिंह सब बहनों का भाई और बेटियों का मामा कहते हैं, उस राज्य में महाकाल की नगरी में 8 किलोमीटर तक वो बच्ची अर्धनंग होके जाती है, कौन सुरक्षित है? देश की फौज नहीं सुरक्षित है, देश का किसान नहीं। अरे इतना बेबाकी से आप केंद्र सरकार का विरोध कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा आप स्वतंत्र हैं? स्वतंत्र हम संविधानिक तौर पे हैं, हम नफरत इनकी तरह नहीं फैलाते हैं, हम स्वतंत्र हैं क्योंकि हमारे साथ जनता है। और इनकी हिटलर साये आपको 2024 के बाद नहीं देखने को मिलेगा।